लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आगामी 26 अप्रैल को होना है। ऐसे में जहां एक ओर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से चुनाव बहिष्कार की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला प्रदेश के जनपद बाराबंकी से सामने आया है, जहाँ एक गाँव के लोगों ने एक पोस्टर जारी कर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। काम नहीं तो काम नहीं तो काम नहीं तो काम नहीं तो काम नहीं तो। बता दें कि पूरा मामला प्रदेश के जनपद बाराबंकी के विधानसभा जैतपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भ्यारा की चपरी गांव का है, जहां ग्रामीणों ने एकजुट होकर एक पास्टर के साथ चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने पोस्टर पर लिखे काम नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करके हम लोगों से वोट ले लेते हैं और चुनाव के बाद हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। बता दें कि इस गांव में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि ग्रामीणों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के घरों से निकलने वाला पानी मुख्य मार्ग पर भर जाता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और अन्य लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों तक इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने इस बार चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार नाम है मेरा। और कौन से गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं, चपरी गांव में। क्या है? भयारा पड़ता है। यहां पे पानी की दिक्कत काफी दिनों से है। काफी एप्लीकेशन भी दिया गया गांव की तरफ से, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सरपंच को, इधर ब्लॉक में भी दिया गया, प्रधान जी को भी बताया गया है, तो इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाँव का पानी निकासी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, नाली नहीं बनवा जा रही है, काफी दिनों से दिक्कत है, कई साल हो गए। ये रोड बनी थी, फिर वैसे बेकार हो गई, खड्डे खड्डे हो गए पानी भर भर के। इसलिए हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं कि नाली बनवाई जाए और वोट लें हमसे। बता दें कि बाराबंकी में पांचवें चरण में यानी 20 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ग्रामीणों की मांगे पूरी होती हैं, या फिर इन ग्रामीणों को ऐसे ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।